की जाएगी इसमें। जब आनंद उत्सव के आयोजन में खरगोन विधायक रवि जोशी को बिजली नहीं होने के कारण खुद अंधेरे में 2 मिनट भाषण पूरा कर ऐसी दुर्गति का सामना करना पड़ा। खरगोन नगर पालिका में आनंद उत्सव मनाने के लिए इकट्ठी हुई जिला प्रशासन और खरगोन विधायक को बिजली कटौती में भाषण 2 मिनट नहीं पूरा करना पड़ा। खरगोन में हजारों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि खरगोन में इंदिरा गृह ज्योति योजना के नाम से योजना संचालित की जा रही है। खरगोन में अब 100 यूनिट के बाद बिजली जलाने पर टेरिफ के अनुसार बिल देना होगा। 6 महीने पूरा हो जाने के बाद सरकार को बिजली बिल हाफ वाली योजना इंदिरा गृह ज्योति योजना के नाम से तो शुरू कर दी गई है, पर इनमें यह शर्त लगा दी गई है अब मजदूर वर्ग के घर में हजारों रुपये के बिल आ रहे हैं। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। इसमें पधारे भोपाल से, मैं जिनको बचपन से भैया बोला करता था, आदरणीय निरपाल सिंह जी इस कार्यक्रम में पधारे। जिला पंचायत के सीओ साहब, खरगोन के एडिशनल कलेक्टर कनेर साहब, आदमी जा भी रहे, नेता भी रहे, कम से कम आनंद की अनुभूति करे और आगे अपनी मंजिल से मंजिल प्राप्त करे, ये मुख्य उद्देश्य है। तो हमारा आग्रह है कि आप लोग जब जाओगे गाँव में या दर्शन स्थल पर कोई सम्मेलन होगा तो सभी व्यक्ति को ये बातें जरूर बताएं। मध्य प्रदेश शासन अध्यात्म विभाग के अंतर्गत राज्य आनंद संस्थान पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर आनंदकों का सम्मेलन आयोजित कर रहा है। हमारे जिले में भी हमने 100 आनंदकों को इसमें आमंत्रित किया है, जिनको हम प्रशिक्षित कर रहे हैं। प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि पंजीकृत आनंदक ये समझें कि जीवन में आनंद का क्या महत्व है और किस प्रकार हम छोटी छोटी चीज़ों में आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और उससे